इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 60 0 0, 65 0 30, 30 का 0 आप यहाँ लिख दोगे और 3 क्या हो जाएगा आपके पास कैरी। 68 0 48, 48 प्लस 3 कितना हुआ 48, 49, 50, 51, तो कितना आया आपके पास 51, 51 का 1 आप यहाँ लिखोगे और 5 क्या हो गया आपके पास कैरी। ठीक है, 5 जो हो गया वो आपके पास कैरी हो गया। फिर आप लिखोगे 65 0 30, 30 और 5 आपके पास बना 35, 35 का 5 आप यहाँ लिखोगे और आपके पास 3 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास कैरी आ जाएगा। और फिर आएगा 62 0 12, 12 13 14 15, कितना बना आपके पास 15। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप क्या करोगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब आपने इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 6 के आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 क्रॉस लग जाएगा। अब आपने इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इस 6 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर आपके पास यही टर्म आएगी। फिर आपने जब इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देने हैं आपने। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 0 0, 3 5 0 15, 15 का 5 यहाँ पे और 1 क्या हो गया आपके पास कैरी। 3 8 0 24, 24 और 1 आया आपके पास 25, 25 का 5 यहाँ पे और आपके पास 2 के आ गया कैरी। ठीक है, आपके पास 2 के आ गया कैरी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको आगे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। ये तो मतलब वो एक साल में इतने लीटर दूध बेचते हैं। ठीक है, इस आपने इसके साथ ये जो एल लिखा ना, एल इसका मतलब लीटर है। ठीक है, तो वो एक साल में कितने लीटर दूध बेचते हैं, 94,61,100। ठीक है, अब ऐसे ही आप